विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति में हम सृष्टि क्रम के वर्णन के विषय में कुछ विषयों को ले रहे हैं ऐत्रेयोपनिषद के अंतर्गत, जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण का ही एक भाग है। इस स्वाध्याय क्रम में हमने लगभग सृष्टि क्रम की उत्पत्ति के विषय में कि किस प्रकार से उस ईश्वरीय संकल्प से इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई, लोकों की उत्पत्ति हुई, लोकपालों की उत्पत्ति हुई और अंततः इस पुरुष शरीर की उत्पत्ति हुई, जीवात्मा का प्रवेश हुआ, भूख और प्यास से समस्त देवताओं को संयुक्त किया और उनकी क्षुधा, उनकी पिपासा की पूर्ति के लिए अन्न जल आदि व्यवस्था की गई। अंत में इस पाठ के अंतर्गत आगे के क्रम में बढ़ते हुए हमने देखा दूसरे अध्याय में कि किस प्रकार से पुरुष के तीन जन्म होते हैं और जो ऋषि होते हैं वो किस प्रकार इन जन्म मरण के बंधन से पार जाने के लिए प्रयास करते हैं। ऋषि वामदेव का वर्णन उपनिषदों में मिलता है कि किस प्रकार उन्होंने गर्भावस्था में ही अपने समस्त जन्मों के बंधनों को जान लिया था और उन्होंने फिर अपने सभी कर्मों को निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अलिप्त होकर के कर्म किए और वह मोक्ष के अधिकारी बने। फिर तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं जो कि ऐत्रेयोपनिषद का अंतिम अध्याय है। तो इस अध्याय में आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में कुछ वर्णन है। दो प्रकार से हमारा जीवन चलता है, दो प्रकार से। एक साधन रूप में हम कार्य कर रहे हैं, एक साध्य होता है। तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिसकी हम उपासना करते हैं वो कौन है और जिसकी प्रेरणा से हम कार्य कर रहे हैं वह कौन है। बात को पुनः समझिए, जिसकी हम उपासना करते हैं वह कौन है और जिसकी प्रेरणा से हम कार्य कर रहे हैं, यह तंत्र चल रहा है, वह कौन है। तो ये बड़ा अच्छा प्रसंग इसमें है, बड़ा भेद है, बहुत सारी मान्यताएं हैं। मुख्य रूप से दो दर्शन चलते हैं, एक अद्वैत दर्शन चलता है, एक त्रैतवाद चलता है, कहीं द्वैतवाद भी चलता है। लेकिन व्यावहारिक बात करें, व्यावहारिक सत्यों को देखें, त्रैतवाद सिद्ध है। व्यवहार जगत में कोई भी इससे निषेध, इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह भी एक बड़ा विचित्र कार्यक्रम है। तो अभी हम जो शास्त्र कहते हैं, शब्द क्या कहते हैं, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कुछ विषयों को कहते हैं। वो कहते हैं जो न्यायपूर्ण हो, करुणा से आपूरित हो, समानता का व्यवहार करने वाला हो, व्यावहारिक पक्ष हो, सार्वभौमिक हो, वैज्ञानिक हो, एकत्व वाला हो। समानता से तात्पर्य यहां एकत्व से है। इस प्रकार के जो पूर्ण वैज्ञानिक सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, न्याय करने वाले सत्य हैं, हमें उसके अनुसार विषयों को देखना चाहिए। क्योंकि जो मानना वही जैसा ज्ञान हो, वैसे ही हमारा मानना होना चाहिए, वैसे ही हमारे कर्म होने चाहिए। और यह कब होगा? जब हम अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से मुक्त हो जाएंगे, असुरत्व से मुक्त हो जाते हैं, यह तब होता है। तो हमें
इन विषयों को ध्यानपूर्वक अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को हम कैसे पाएं, साधन रूप में हमें लेकर चलना है। समस्त वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण, श्रीमद् भगवद गीता, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, महाभारत आदि जो भी हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जो वेद को मध्य में रख करके जो बने ग्रंथ हैं, वैदिक सिद्धांतों के आधार पर जो ग्रंथ बने हैं, कसौटी कहते हैं ना, कसौटी, तो कसौटी है वेद, तो उन समस्त ग्रंथों का हम यदि अध्ययन करते हैं, सारभूत तत्व के रूप में उनको लेते हैं, तो उनके आधार पर हमें व्याख्याएं किस प्रकार से करने चाहिए, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो यह सिद्धांत है, ये है वह सिद्धांत कि न्यायपूर्ण हो, दया हो, समानता का व्यवहार हो, किसी के प्रति भी ऐसी भावना न हो। कई जगह ऐसे वर्णन मिलते हैं कि एक पक्ष को तो कहा गया कि वो वेद पढ़े, एक पक्ष को कहा गया ना पढ़े, तो वेदों में क्या लिखा है, तो जो ऋषि होते हैं, ऋषियों ने क्या कहा है, ऋषियों ने कहा है कि मातृशक्ति को भी पढ़ने चाहिए, गुरुकुलों की स्थापना के विषय में कहा, माताओं को पढ़ने का अधिकार भी दिया। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने मातृशक्ति के उद्धार के लिए कार्य किया, उन्होंने चैलेंज किया कि आप बताएं वेदों में कहां लिखा है, और जहां पर कुछ है भी तो वहां प्रसंग व पूर्वा पर भाव होता है, ऐसे ही नहीं किसी भी एक शब्द को पकड़कर व्याख्या कर दी। तो इस प्रकार से उन्होंने ठीक ठीक व्याख्याएं की, कुछ मिश्रण हो जाता है काल के आधार पर, कुछ षड्यंत्र होते हैं, महापुरुषों को अपने शास्त्रों को बदनाम करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र करा देते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी कालांतर में अगर उनको पढ़ती है तो फिर वो इस बात का निर्णय नहीं कर पाती कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और फिर जो असत्य बातें उसमें मिश्रित हैं उनको भी शास्त्रों का आधार लेकर के, शास्त्रों का आश्रय लेकर के पढ़ा देते हैं, और फिर उस पीढ़ी के मन में अपने शास्त्रों के प्रति अरुचि, अश्रद्धा, अवैज्ञानिकता का भाव आ जाता है, और उनको ऐसे लगता है ये तो कपोल कल्पित है, क्योंकि उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, उसमें इतनी ज्यादा उपमाएं, इतनी ज्यादा उसमें माने सत्य से एकदम हटा करके, सत्य से हटा ही देते हैं, व्यक्ति के मन में ऐसा उत्पन्न होने लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। जो भी थोड़े विवेकी पुरुष होते हैं फिर उनको अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, ऐसे एक षड्यंत्र के तहत एक बहुत बड़ी बड़ी साजिशें चलती हैं। हमारी मान्यता ऊपर आ जाए, हमारा सिद्धांत ऊपर आ जाए, ये विचार, लेकिन वो लोग यह नहीं जानते कि जो वेद है, जो वैदिक सिद्धांत हैं, वो सृष्टि के आदि काल से हैं, उनके अंदर किसी भी पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, उसमें प्राणी मात्र की बात कही गई है। लेकिन आप कहेंगे कि वेद हैं और ये मिटते नहीं है, ऐसे है वैसे है, भ्रम में जीते रहते हैं कुछ लोग, भ्रम में। पुरुषार्थ में यदि न्यूनता होगी हमारे, तो हमारे सिद्धांत, हमारे सत्य सिद्धांत भी धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे, लुप्त प्राय होते चले जाएंगे। इसमें हमें कोई ऐसे गर्वोक्ति में नहीं रहना है कि हम पढ़े या ना पढ़े तो भी वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है, यह है तो कभी लुप्त नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूं, मैं जीता हूं इस भाव में कि वैदिक ज्ञान जब तक सृष्टि रहेगी वैदिक ज्ञान रहेगा, लेकिन कहां रहेगा, कहां रहेगा, यह भी तो आपको बताना होगा। इसका उपयोग तभी तो अधिक हो सकता है जब हम मनुष्य के अंतःकरण में, हम मनुष्यों की बुद्धि में, ये व्यवहार में प्रयोग में आए, तभी तो रहे, तभी तो इसका उपयोग है। अधिक से अधिक उपयोग तो तभी हो सकता है जब अधिक से अधिक व्यक्ति इस ज्ञान को ग्रहण करें और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाएं। बहुत सारे पंथ मजहब ऐसे हैं जहां पर इसका नामो निशान नहीं है, स्वाध्याय करना तो दूर, इसके दर्शन दुर्लभ है उन लोगों को, नाम तक नहीं लेते, पढ़ना तो दूर की बात है, वो कैसे होगा। तो इसलिए हमें क्या सभी को उचित है, जिनको यह सौभाग्य मिला है कि हम
अपने पंथ अपने संप्रदाय में जन्म लेने के पश्चात इन वैदिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, हमें पढ़ने चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए अपने ज्ञान को अपने धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अपनी अगली पीढ़ी को आने वाले संतानों को संततियों को उसको देने के लिए। इसके लिए क्या करना होगा? पुरुषार्थ, 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 तभी सफलता मिलती है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। पुरुषार्थ भी ऐसे नहीं बस थोड़ा मोटा छोटा मोटा नहीं, पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अपनी सामर्थ्य का पूरा सदुपयोग करने के पश्चात और निरंतर करने के पश्चात, एक दिन नहीं निरंतर, तब मिलती है सफलता, तब हम पाते हैं अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को, तब होती है वेदों की रक्षा। यह बात है। रक्षार्था रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ें, ऐसे कहा गया। व्याकरण के प्रयोजनों के विषय में है तो उसमें एक प्रयोजन ये भी दिया है, अपने वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ें। वेदों की रक्षा करेंगे, वैदिक संस्कृति की रक्षा करेंगे, और जो ऋषि कहते हैं रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, पढ़ रहे हैं क्या? जिनकी आयु पूरी हो चुकी है पढ़ने की, जिन्होंने सोच लिया, हालांकि स्वाध्याय की तो कोई आयु होती नहीं है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से जिन्होंने अपना पूरा पढ़ाई कर ली है, स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी आदि कर ली है, किसी सेवा विशेष में है और अब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, जिनके पास अब समय नहीं है पढ़ाई का, और जिन्होंने अपने जीवन के इस पूरे काल को जी लिया है, ब्रह्मचर्य काल को, शिक्षा के काल को, ब्रह्मचर्य काल का तो पूरा जीवन ही ब्रह्मचर्य काल होता है, गृहस्थ को भी सदगृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य कहा है कि अभी ब्रह्मचारी होता है, सदगृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का तात्पर्य कोई सीमित नहीं है, सदैव अच्छे कर्म करते रहना, अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहना, ब्रह्म भाव में सदैव जीना। ब्रह्म भाव में जीने का तात्पर्य क्या है? सारे कर्मों को छोड़ करके बस भगवान जी के ही सानिध्य में जीना। कोई जी के देख ले, इतना सरल भी नहीं है, कभी सोचे कि यह भी कोई आसान बात है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीवन में पुरुषार्थ करते रहिए, तभी शांति मिल सकती है। निठल्लों को कुछ नहीं मिलता, जो खाली बैठ के बस सोचे ना कि हम तो बस खाली बैठ के भगवान भजन ही करेंगे, कुछ नहीं मिलना उनको, भयंकर पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। पुरुषार्थी व्यक्ति को ही जीवन में सब कुछ मिलता है और अंततः ईश्वर भी मिलते हैं। अब पुरुषार्थ की अलग अलग भेद है, वो एक अलग विषय है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना, समाज कल्याण के कार्यों को करना, उससे मन पवित्र होता है, शांति का भाव उत्पन्न होता है, उत्साह प्रसन्नता बढ़ती है, और परमपिता परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञ भी होते हैं कि आपने हमें सेवा का अवसर दिया। इन सब कार्यों से मन निर्मल होता है, मन शुद्ध शांत पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में परमात्मा प्रकट होते हैं, परमात्मा की अनुभूति हम कर सकते हैं। यहाँ प्रकट होने का अर्थ यह नहीं कि कहीं बाहर से आ गए, हम देख पाते, हम अनुभव कर पाते ऐसे। तो इसीलिए पुरुषार्थ की महानता, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ, 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 इस जीवन को एक शब्द में परिभाषित कर दें तो वह है पुरुषार्थ। निकम्मे निठल्ले निर्लज्ज होकर के जीवन को नहीं जीना, वरन उत्साह में जीना, श्रद्धा से जीना, निष्ठा से जीना है, तब देखिए आप, आपको आपके लक्ष्य मिलने लगेंगे, आपको आपके जीवन के उद्देश्य पता चलने लगेंगे, आपके जीवन में शांति प्रतिष्ठित होने लगेगी, आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी, आपको प्रतिक्षण ऐसा लगेगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा किए गए कार्य समाज के संसार के कल्याण के लिए स्वतः होने लगेंगे। आप स्वयं दीपक और दीपक से प्रकाश देते हुए सूर्य बनने लगेंगे, सहज आपके समस्त लोकोपकार के कर्म आपके सहज कर्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके माध्यम से जितने भी कर्म होने लगेंगे सभी कर्म समाज कल्याण के लिए होंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है पवित्रता, हमारा स्वभाव है ज्ञान,
हमारा स्वभाव है अहिंसा, हमारा स्वभाव है, हमें कहीं से लाना नहीं है। अहिंसा अर्थात शांत रहना। कोई भी व्यक्ति हिंसा के भाव में जी ही नहीं सकता। जिनको हम हिंसक प्राणी कहते हैं वो भी अपने पूरे जीवन का, पूरे दिन का अधिक से अधिक समय अहिंसा के भाव में बिताते हैं। बस जिस समय उनको भूख लगती है, जो हिंसक प्राणी है जिनका भोजन ही हिंसा पर आधारित है, शेर को यदि भूख लगी है तो शिकार करने के लिए तो हिंसा करेगा, लेकिन बाकी पूरा समय वो अहिंसक बनकर रहेगा। क्योंकि हिंसा किसी भी व्यक्ति को, जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकती है, हमारा स्वभाव नहीं है। इस प्रकृति का स्वभाव हिंसा है ही नहीं है। अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, यह हमारा स्वभाव है। हाँ, दुष्ट व्यक्ति के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो भी बलपूर्वक कार्य किए जाते हैं, कठोरता की जाती है, मन्यु के अंतर्गत बुद्धि विवेक से जो कार्य किए जाते हैं उसको हिंसा ही नहीं कहते, एक मन्यु है। शौर्य पराक्रम के द्वारा आसुरी वृत्तियों को, आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनका समूल विनाश करने के लिए जो पराक्रम किया जाता है वह हिंसा के अंतर्गत नहीं आता, वह तो व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। तो हमारे उद्देश्य, हमारे सिद्धांत एकदम क्लियर होने चाहिए। कहां से आते हैं, क्लियर कैसे होते हैं, स्पष्ट कैसे होते हैं, स्पष्टता आती कैसे है? सत्य सिद्धांत है, जो वेद है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, यह हमारे जीवन में स्पष्टता लाती है। जो धुंधला धुंधला सा हमें दिखता है उसको स्पष्ट कर देती है, नीर क्षीर विवेक कर देती है। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इसका तात्पर्य क्या है? चीजें स्पष्ट हो गई है, वैदिक संस्कृति की विशेषता है। इसमें जीने वाला व्यक्ति यदि बहुत अधिक शास्त्रों का अध्ययन भी ना करे तो भी उसके जीवन में शुचिता, पवित्रता और उसके जीवन में उसके उद्देश्य एकदम स्पष्ट हो जाते हैं, उसका मार्ग कंटकों से रहित हो जाता है। अन्यथा चलते रहते हैं कंटकाकीर्ण मार्गों की ओर, पता नहीं कब कब जख्मी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पढ़ो, अपने एकदम सीधा सच्चा सरल मार्ग 200 करोड़ वर्षों से और सृष्टि के आदिकाल से और जितनी भी सृष्टियां हुई हैं तब से ही, क्योंकि वेद ज्ञान तो ईश्वरीय ज्ञान है, सदैव विद्यमान है, सदैव नूतन है, सदैव प्राचीन है, सदैव नवीन है, सदैव हमारा मार्गदर्शन करने वाला है, हमें हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य को दिलाने वाला है, मिलाने वाला है, सिखाने वाला है, उंगली पकड़कर चलाने वाला है। श्रद्धा तो करें, विश्वास तो रखें, ऋषियों के वाक्यों पर विश्वास रखें, मान कर चले। कभी कभी कुछ सत्य हमें समझ में नहीं आते, अविश्वास ना करें। किस पर? वेदोक्त बातों पर कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं किसी की भी बात पर। वेदोक्त, वेद सम्मत जो शास्त्र हैं उन पर, वेदोक्त जो ऋषि हैं उन पर, जिनके जीवन में आपको वैदिक संस्कृति के अनुकूल आचरण दिखता है, उन ऋषियों की बात कर रहा हूं मैं, उन महापुरुषों की बात कर रहा हूं, उनके द्वारा बताए गए सत्यों पर यदि आपकी अनुभूति नहीं है तो मान लीजिए, विश्वास कीजिए। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास माता की तरह हमारी रक्षा करते हैं। श्रद्धा, और श्रद्धा श्रद्धा से ही बढ़ती है, जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है, ऐसा कहते हैं लोक में। तो आप कहेंगे श्रद्धा कैसे बढ़े, सत्य शास्त्रों के प्रति, वेद के प्रति, वैदिक ऋषियों के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े कैसे, हमारी निष्ठा प्रगाढ़ कैसे हो? श्रद्धा तो श्रद्धा से ही बढ़ती है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। जैसे कहते हैं पैसे से पैसा बढ़ता है, अर्थात क्या है, किसी के पास धन संपत्ति है, किसी कार्य में लगाता है, व्यापार आदि में लगाता है, फिर लाभ होता है, फिर और जगह लगाता है, फिर लाभ होता है। तो ऐसे क्रम है, अलग अलग जगह, अलग अलग दृष्टांत से आप समझ सकते हैं स्वयं भी, हमसे ज्यादा तो लौकिक विषय में आप समझदार हैं ही, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं।
क्यों क्यों है? जो व्यक्ति जिस विषय में ज्यादा जी रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो सीधी सी बात है, इसमें कौन सी शर्म की बात है? ठीक है, आप लोग जिन व्यवहारों को अधिक करते हैं उसमें आप श्रेष्ठ हैं, जिन व्यवहारों में हम लोग करते हैं उनमें हमें आपसे थोड़ा सा थोड़ा अधिक होगा ज्ञान, ऐसा माना जा सकता है। तो अनुभव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप लोगों को अधिक अनुभव है उन सांसारिक विषयों का, उनके सत्यों का। आपका मार्ग तो कंटकों से अवरुद्ध हो जाना चाहिए, छोटा छोटा प्रयास भी करेंगे तो भी हो जाएगा, छोटा छोटा प्रयास। हम अपनी संस्कृति में जिए, बस इतनी सी बात को मान लो और उस पर आचरण शुरू कर दो। कितना ज्ञान आपके अंदर है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, इसको छोड़ो। सत्य समझ में ना भी आए तो भी गुरु शास्त्र वेद जो कह रहे हैं उनको मान लो और उनके अनुसार आचरण शुरू कर दो, ये बड़ी बात है। अर्थात ये तो शब्द शब्द हैं, करना क्या है? अब आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में बताया, मंत्र कह रहा है को अयम आत्मा इति वयम उपासमहे। को अयम आत्मा इति, यह आत्मा क्या है? वयम उपासमहे, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको पाने के लिए लालायित रहते हैं, संपूर्ण जीवन संपूर्ण शैली समस्त ज्ञान का अर्जन करते हैं, वो क्या है वो आत्मा? को अयम आत्मा इति वयम उपासमहे, क्या है? फिर दूसरी क्या है? कत्रहस्य आत्मा, और वह आत्मा कौन सी है? येन वा रूपं पश्यति, जिससे रूप को देखते हैं, दृश्य को देखते हैं, काला गोरा लाल पीला, इस दृश्य जगत को देखते हैं, कौन है वो आत्मा? आंख बंद करके शांत बैठ करके हम किसी की तो उपासना करते हैं, तो जिसकी उपासना कर रहे हैं वो आत्मा कौन है? और आंखें खोल करके आंखों के द्वारा जिसको देखते हैं, येन वा रूपम पश्यति, जिसके द्वारा, आप सोच रहे होंगे हम तो आंखों से देखते हैं रूप को, मृत व्यक्ति की भी आंख होती है, रूप देख ले फिर वो, ये तो गोलक है। और इनका देवता क्या था? बताया था ना, आंखों का देवता क्या था? भूल गए? वाणी का देवता क्या था? कुछ को तो याद होगा, है अभी। नासिका का, प्राणवायु का देवता, प्राणों का देवता, कर्ण इंद्रिय देवता, सबके देवता थे ना अलग अलग, हृदय अपान सबके, तो ये सभी हमें ध्यान रखने चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि वो क्या है और वो देवता भी, और अंत में क्या बताया था? सयतम सीमानम विदार्य, एक विषय बताया, वो उस पूरे इस सीमा को फोड़ करके तोड़ करके उसके अंदर प्रवेश कर गई जीवात्मा, तो ऐसे मनुष्य के शरीर में। तो कह रहे हैं वो क्या है? दो चीजें हैं, दो दृश्य, वो एक अलग विषय है, ईश्वर जीव प्रकृति, तीन अलग अलग मानते हैं, व्यवहारिक सत्य है, नकार तो सकते नहीं आप, प्रकृति भी है, आप भी हैं, और जिसकी उपासना करते हैं वो भी है। जो व्यवहारिक सत्य हैं, हमें क्या करना चाहिए? जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने उपदेश हैं, यह सब अपराविद्या है। अपराविद्या अर्थात जो व्यावहारिक विद्या है, सब है। मुझे आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चिंतन मनन निधि ध्यासन जो कुछ भी आप कर पा रहे हैं वो सब अपराविद्या के अंतर्गत आता है। हाँ, इससे इतर कोई अनुभूति यदि आपको होती है तो उसको वर्णन नहीं कर सकते आप फिर, क्योंकि जैसे ही वर्णन किया वो फिर अपराविद्या में आ जाएगा, और पराविद्या का वर्णन अपराविद्या से कर कैसे सकते हो? तो उसका तो केवल कहते हैं ना, वो निर्वचनीय है, अवर्णनीय है, उसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, चिंतन भी नहीं कर सकते उसका। चिंतन करोगे तो अपराविद्या का ही करोगे, साधन के रूप में प्रयोग करो। तो इसलिए हमें, इसलिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि निर्भ्रांत ज्ञान देते हैं कि हमें पुरुषार्थ करें, पुण्य करें,
खूब अच्छे अच्छे कर्म करें, निस्वार्थ भाव से कर्म करें, समाज कल्याण की भावना से कर्म करें, अंदर शांति स्वतः घटित होती चली जाएगी और जो भी पराविद्या है, जिसको भी आप मानते हैं जानते हैं, वो सत्य आपको स्वयं अनुभव में आने लगेंगे। तो कोई भेद है ही नहीं, कर्म की दिशा एक अलग है, अनुभूति की दिशा अलग है। जिसके कर्म में पवित्रता श्रेष्ठता होगी, उनकी अनुभूति के स्तर भी अलग अलग होंगे, उनको उस पराविद्या का भी, उस परा जो सत्य है उनका भी भान होगा, ज्ञान होगा। तो उसी के विषय में कहा, शंका जागृत हुई, को अयम आत्मा इति वयम उपासमहे, कत्रास्य आत्मा येन वा रूपं पश्यति, येन वा शब्दं श्रुणोति, येन वा किससे हम शब्दों को सुनते हैं, येन वा गंधान आजिग्रति, येन वा किसके माध्यम से हम गंधान जो भी गंध है उसको आजिग्रति सूंघते हैं, येन वा वाचम व्याकरोति, येन वा किस साधन से हम वाणी को वाचम व्याकरोति व्यक्त कर पाते हैं, मैं बोल रहा हूं तो ऐसा क्या है, किसका की प्रेरणा से मैं ऐसा कर पा रहा हूं, येन वा स्वादुच अस्वादुच विजानाति, किससे हम स्वादों को जानते हैं। तो इन सब का उत्तर, इन सब के विषय में हम आगे लेंगे अगले अंक में। आप सभी के जीवन में प्रसन्नता हो, सभी आनंद में रहें। ओम शांति 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 ही, सर्वेभ्यो नमः।